Going to present writing task 2 topic, and the question is motorways is increasing, what are the effect and give some solution. Motorways ka means hai jo highway aajkal banaye ja rahe hain traffic ko decrease karne ke liye, reduce karne ke liye, uske kya kya effects hain, bad effects bhi hain और उसके सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं उसको हम इस ऐसे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज इन इंट्रोडक्शन पार्ट. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फेस अ ट्रैफिक प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ दोज नेशंस आर कंस्ट्रक्टिंग हाईवेज. हाउएवर मोटरवेज आर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स व्हिच हेल्प पीपल टू मूव स्विफ्टली बट गिव रीजन rising to multifarious problems, बहुत सारी problem को पैदा करती है. The most apparent problem problems are environment pollution, which causes various health hazards for the people. I would discuss some issues and alternative solutions in the below paragraphs. तो first paragraph में हम बताएंगे कौन कौन से इसके effect हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती है इसकी वजह से. देयर इज द वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हाईवेज विच नॉट ओनली इफेक्ट द नेचर बट इंडिविजुअल्स ऑल्सो. दिस विल प्राइमरली इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट बिकॉज इट इंक्रीज डिफॉरेस्ट्रेशन, जिसमें हम पेड़ों को कट करते हैं कुछ बनाने के लिए उसको बोलते हैं. एट द इनिशियल स्टेज ऑल दैट ट्रीज कट डाउन from near about the roads which misbalance the environment. Moreover, motorways are the main reason of accident because people increase the speed of their motors on those roads and they cannot control it in an emergency. सबसे पहले आता है कि deforestation को increase करता है जब कोई भी आजकल roads जो बन रही है बहुत सारी बड़ी रोड्स बन रही है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं वो जो उसके आसपास के ट्रीज हैं उसको कट कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है. सेकंड है एक्सीडेंट की वजह भी बनता है क्योंकि नॉर्मली लोग इस रोड्स में स्पीड जो अपनी व्हीकल की इंक्रीज कर देते हैं बट एमरजेंसी में उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. इन एडिशन टू इट व्हीकल्स डिपेंड ऑन fossil fuel which releases toxic chemical that is causing multifarious environmental hazards such as global warming. Another effect of highways is it put burden on individual's pocket because the person has to pay some fees in the form of toll tax if he or she use the road. Isme kya hai agar इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगड़ता है ड्यू टू हार्मफुल गैसेस की वजह से तो वो हीट बढ़ जाती है जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को फेस करते हैं. ग्लोबल वार्मिंग भी आती है इसकी वजह से. दूसरा पॉइंट है कि नॉर्मली टोल टैक्स लगे होते हैं, जो भी पर्सन इसको यूज़ कर रहा है रोड को उसको प्रॉपरली कोई फी अपने व्हीकल के अकॉर्डिंग बड़े या छोटा है उसके अकॉर्डिंग पे करनी पड़ती है. तो ये नॉर्मल पीपल को भी इफेक्ट कर रहा है क्योंकि उसके बजट को बिगाड़ देता है ये. सेकंड पैराग्राफ में कुछ सॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया है. तो फर्स्ट है टू सॉल्व दिस इश्यू द फर्स्ट सॉल्यूशन इज गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल कैमरास ऑन द रोड सो दैट दे पुट हैफ्टी फाइन टू द पर्सन फॉर क्रॉसिंग द स्पीड लिमिट. Second is government have to upgrade the public services and motivate the people to use public transport and carpooling methods. The method through which the people share their vehicles with others. Because of this approach, traffic can reduce the number of motor because of this approach can reduce the number of motors from the roads. So in that way the traffic problem will be solved and there is no need to construct any highway or the flyover. Moreover, automobile companies should make environment friendly vehicles to reduce the pollution that usually vehicle produce.
to save the environment and wildlife. यहाँ पे एक मेथड को डिस्कस किया है, बताया गया कार पुलिंग, जैसे एक पर्सन जा रहा है, दो तीन पर्सन एक ही डिपार्टमेंट एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो ये मेथड यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग जाने की बजाय एक ही कार को यूज करें एक दिन में, दूसरा पर्सन अपने व्हीकल को यूज करे, तीसरा पर्सन अपने व्हीकल को यूज करे, तो इससे हम जो मोटर व्हीकल्स की नंबरिंग है वो रोड से कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा. Conclusion. In conclusion, despite the convenient and faster traveling to the destination, the motorways create various health and environmental issues. Therefore, both government and people need to come forward and tackle this issue. कि एक की बजाय दोनों अगर सामने आके इस में कॉपरेट करें, properly rules को follow करें, तो ये इश्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं इससे. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. अगर आपको मेरे आइडियाज रिलेटेड टू द टॉपिक अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर आपको ट्रैफिक रिलेटेड कोई और भी टॉपिक आ जाता है तो इसमें से कुछ पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं. सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.